गाइज मैं बता दूं कि हमारा 6 बजे शाम के 6 बजे जो है दिन शुरू हुआ है. एक्चुअली मैंने और मेरे हस्बैंड ने जो है 6 बजे स्नान ध्यान किया है. और आयान को देखिए जरा, इसकी शैतानी फुल ऑन. आपने कभी कुछ चुरा के खाया है? क्या खाते थे चुरा के बचपन में? मैं कुछ भी नहीं खाता था. मुझे मतलब चुरा के तो नहीं खाता था, पर मुझे कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छी लगती थी. कोल्ड ड्रिंक सबको अच्छी लगती है. वैसे तो भी ना पहले कैंपा मैं तो बहुत बड़ी चूर थी. वैसे किसी के सामान का नहीं, बस खाने पीने का शौक था. वो भी डांट डांट के जो है सुधार दिया गया मुझे. मैं जिद मारता था बहुत कैंपा के लिए, तो बहुत ज्यादा कैंपा. और वो ट्रेन में जब पहले ना वो आते थे ब्रेड ऑमलेट देने, वो लड़के ट्रेन में जब जाओगे इनकी तो मम्मी बताती हैं कि भाई ट्रेन में इनके साथ सफर करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि एक्चुअली हम दोनों ही जिद्दी थे बचपन में, बहुत ज्यादा जिद्दी थे. हमारे बच्चे तो कुछ भी नहीं है. उस वक्त में हम लोग बहुत शैतान थे. इनकी मम्मी बताती है कि जब भी मैं इनको इसको बाहर ले जाती थी, सबसे ज्यादा खर्चा मेरा यही बेटा कराता था. इसको वो सब चाहिए जो ट्रेन में आ रहा होता था, बिक रहा होता था, वो सब चाहिए. कोई आया ये वाला तो ये ब्रेड पकौड़ा भी चाहिए इन्हें, कैंपा भी चाहिए इन्हें, नमकीन भी चाहिए इन्हें. तो एज पर मम्मी कही भाई इसके साथ ट्रैवल करना हमें तो बड़ा मुश्किल लगता था. ऐसे उस वक्त ट्रेन की टिकट होती थी मतलब 5-7 रुपए और वो आता था 25 रुपए का. अच्छा. तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ते थे ये मम्मी को. और उधर मैं भी ऐसे ही थी, कभी बाजार जाती थी या कुछ भी तो मेरे को डॉल्स चाहिए होती थी, कोई टॉय चाहिए होता था, कुछ भी. मतलब मैं अब बहुत जिद्दी बच्ची रही हूँ अपनी मॉम एंड डैड की, बहुत ज्यादा जिद्दी बच्ची. तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी मम्मी जा रही थी और बाजार लेके मुझे, और मुझे एक रेड कलर की डॉल पसंद आ गई. तो मैंने अपनी मम्मी को बोला मुझे वही चाहिए, मुझे वही चाहिए, और मैं तो नहीं जाऊंगी, और मैं रोने लगी. तो फिर मम्मी ने ट्रिक लगाई और मुझे छोड़कर चली गई, चाहे तू लेट या कुछ कर, आई डोंट केयर, मैं जा रही हूँ, बाय. तो फिर मम्मी कहती है कि भाई मेरे और भी 2 बच्चे हैं, वो जिद नहीं करते, तुम बड़ी जिद करती हो. तो ये हम बहुत जिद्दी बच्चे हुआ करते थे. फिर बड़े हो गए, अक्ल आ गई, तो अब तो क्या ही कहने. ये शैतान कम थोड़ा ही. अब ये शैतान जो है इसे सब कुछ चाहिए. ये ऐसा ही है अपने भाई का, मतलब उसने कुछ हाथ में उठाया नहीं, इसे वो चाहिए. हमने कुछ हाथ में उठाया नहीं, हमारा चाहिए. वो हम तो चलो बाहर जाके करते थे, है ना, ये हरकतें. ये तो घर में ही भाई. घर के अंदर ही जो है इसको ये भी चाहिए, जो हमारे हाथ में वो इसे चाहिए. अब कैसे करें ये समझ नहीं आता. मेला है, हर चीज मिया आए मैं नहीं दे, अम्मी आए. तो बहुत ज्यादा शैतान है ये. इसकी भोली सूरत पे बिल्कुल भी मत जाना. तो खैर जो भी है, ये सब पेरेंट्स के होते हुए ही हो सकता है. और छोटे वाले कुछ ज्यादा ही शैतान होते हैं हमेशा. छोटे वाले ज्यादा शैतान होते हैं, लेकिन ये अपने घर में बड़ी थी. लेकिन मैं अपने घर की बड़ी शैतान, मैं बड़ा बड़ा बच्चा, बड़ा शैतान. जिद्दी बच्ची मैं ही थी अपने घर की. और मैं अपने घर में छोटा. मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे पास एक से एक, मेरे पास फ्रॉक्स थी, सब कुछ था, बिल्कुल डॉल की तरह सजा के रखते थे मेरे पेरेंट्स मुझे. लेकिन फिर भी जो है ना, मुझे जैसे ही मैं बाहर जाऊंगी ना, मुझे न्यू डॉल चाहिए, न्यू बैग चाहिए, किसी का कुछ अच्छा लग गया मुझे वो चाहिए ही चाहिए. वो काम अब कबीर करता है. तो वो काम अब कबीर करता है. कबीर जो है हमारा बड़ा बेटा, वो इतना बड़ा हो गया लेकिन अभी तक जो है कोई toys. मतलब उस ये खेले या ना खेले टॉयज से, लेकिन उसको खेलना है टॉयज से. तो वो बहुत बड़ा हो गया ही नहीं दे रहा वो. हम चाहते हैं जल्दी से समझदार हो जाए. लेके जाना मतलब टॉयज एक टैक्स है. हाँ, जो आपको मतलब पे करना है. अगर वो बाहर गया तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए, पापा से मम्मा से कुछ ना कुछ चाहिए. तो वो हर बार जो है बड़ा भारी पड़ता है हमें बाहर ले जाना. एक बार तो मैं इसे बाहर ले गया. हाँ. घुमाने के लिए, गोद में था तब, थोड़ा थोड़ा बोलता था. हाँ. तब कहता था, तब रास्ते में कुछ मांगा इसने. हाँ. मैंने मना कर दिया. हाँ. फिर पता क्या चिल्लाने लगा, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ. भाई साहब
ऐसा हो गया, लोगों को लगने लगा कि ये बच्चा उठा के जा रहा है, ये इसके रियल फादर है भी या नहीं है। मतलब इतना जोर से कोई तो बचाओ, गोदी लेती कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। मैंने उसको गाड़ी में फटाफट लोड किया, गाड़ी का दरवाजा बंद, हाँ, और निकला वहां से। मैंने कहा ये पिटवाया। कोई कहेगा बच्चा चोर, बच्चा ले जा रहा है, जबकि किसी को क्या पता कि भैया हमारा ही है। हाँ, कोई तो बचाओ, कोई ऐसे ही कहा है लोग ना, तो पहले पीटेंगे फिर जाएंगे, पहले पीटेंगे। तुम बच्चा चुरा रहे थे, तुम ये भी बोलोगे ना कि फादर, वी डोंट केयर, मारने वाले सीधा मारेंगे पंच। मौका चाहिए भाई, मौका चाहिए। तो भाई ये चीज है, हम भी शैतान, हमारे बच्चे भी शैतान। तो भाई कोरोना का एक्सपीरियंस तो बड़ा गंदा था, वो जो फर्स्ट वेव आई थी ना, वो वाली तो बहुत ही ज्यादा गंदी थी। ऐसा लग रहा था कि हर जगह ना इंसान नहीं, वायरस ही वायरस घूम रहा है, अनदेखा सा है ना, सड़कों पे क्या दूर से ही कोई आदमी टच ना कर ले, कोई कुछ, मतलब ऐसा जैसे अदृश्य शक्ति कुछ घूम रही है, लपेटे में ले ली। अभी वैसे जब लोगों को फीवर होता है या खांसी जुकाम कुछ होता है, हाँ, तो वो हॉस्पिटल जाते हैं, हाँ, तब कोई नहीं जा रहा था। हाँ, तब वो भी नहीं जा रहे थे जो बीमार थे ना, घर में ही ठीक हो रहे थे, काढ़ा पी के और दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट करके, अरे हल्दी खा लो, खाना है तो तुम तुलसी वाली चाय पी लो, और इससे फर्क भी पड़ रहा था लोगों को यार, डर से ठीक हो रहे थे, डर से ठीक हो रहे थे कि बस जाना नहीं है, छोटी मोटी बीमारियां तो घर में ही ठीक कर लो। बहुत मतलब बैड टाइम था। हाँ, ऐसा लग रहा था कि जैसे बस अब हमें तो लग रहा था अभी इंसान जो है ज़ॉम्बी बन जाएगा। हाँ हाँ, ऐसी कंडीशन हो रही थी कि भाई अगर कोई ज़ॉम्बी बन गया तो बहुत शॉकिंग और बहुत मतलब डराने वाला जो था ये टाइम कोविड का, जो अभी भी चल रहा है। हाँ, चाइना में भी चल रहा है, इंडिया में भी है अभी। हाँ, मतलब अभी कम है पर है, है, है। लेकिन एक बात बताओ हनी, अगर मैं ज़ॉम्बी बन गई तो कैसी लगूंगी? कहेंगे तुझे बनने की क्या जरूरत है, तू तो ऑलरेडी है। कुछ लोग अपने आप समझ जाते हैं। तू तो ज़ॉम्बी है ऑलरेडी, हमारे घर की काट खाने के लिए तैयार हमेशा। ज़ॉम्बी, मैं एक ज़ॉम्बी के साथ रह रहा हूँ। ज़ॉम्बी के साथ रह रहे। देख कितने इनोसेंट बनते हैं ना, जैसे खुद तो ज़ॉम्बी है ही नहीं, हम ही झेले, हमको ये झेल रहे हैं, हम तो कुछ झेलते नहीं है इनको, है ना। सब मोह माया है। क्या मोह माया? हाँ, मैं एकदम शरीफ सा, शादीशुदा, प्यारा सा, शरीफ सा, मासूम सा, 18-19 साल का बच्चा हूँ। ओहो, अगर ये 18-19 साल के, तो गाइस मैं 15 साल की हूँ। लोग बड़ों से भी शादी करते हैं। एक्सक्यूज मी, हमने बड़ों से कर, मैं बड़ी नहीं हूँ, अगर तुम 18 के तो मैं 15 की हूँ। कल मैं दो पोनीटेल लाऊं बना के आऊंगी। 18 का उल्टा कर लो। एक्सक्यूज मी। तो भाई ऐसा है, ये ऐसी तरीके से चढ़ाते रहते हैं, इनका क्या है? और क्या? जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। हाँ, देखो हम सिर्फ चिढ़ा सकते हैं, चिढ़ाने के बाद जो है वो आक्रोश जो है फिर झिलता नहीं आपसे। आपको पता ही है कि मैं जिद्दी विद्दी मूवी देख के बड़ी हुई हूँ, घायल जिद्दी। इस तरह की मूवी देखी है तो फिर देखी हमने भी है, पर हमें नहीं पता था कि सनी देओल ये बन जाएगी। लेडी सनी देओल, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। हम तो कातिया वातिया बन के ही रह गए। सही बात है भाई, असली सनी देओल तो हम निकले, ये तो कातिया ही बन के निकल रह गए। देखो मैं शक्ल से भी कितना सही, इतना भोला तो लड़का किसी ने देखा ही नहीं होगा। नहीं देखा होगा, इन्होंने नहीं देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा। हाँ हाँ, ये भोली शक्ल पे मत जाइए, बहुत बहुत कुछ उत्पाद किए हुए हैं इन्होंने अपनी जिंदगी में। कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा झूठ क्यों बोलना फिर, बताओ सब लोगों को कितनी गर्लफ्रेंड्स थी तुम्हारी? गर्लफ्रेंड वो तो प्यार का हिस्सा थी ना, वो शैतानी का हिस्सा थोड़ी थी। बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी इनकी, और इनकी मम्मी कहती थी कि जब तेरी इतनी सारी गर्लफ्रेंड है तो हमें क्यों ढूंढना पड़ रहा है तेरा रिश्ता, तो खुद ही ढूंढ ला उनमें से, तभी तो ढूंढ के लाया। तो आपको कोई और? अच्छा, यू शुड प्राउड ना कि 250 में से यू सिलेक्टेड।
मुझे क्या प्राउड करने की जरूरत है, एक्सक्यूज मी, मैंने आपको हाँ कह के आप पे एहसान कर दिया है, आए बड्डे। मेरा एक्सपीरियंस था ना, मतलब एक्सपीरियंस्ड आदमी जो है वो काम परफेक्शन से करता है। जब ये मेरे को मिली, मेरे दोस्त बोले भाई भूल जा, तेरे सपनों से अलग है ये। मैं कहता तभी तो इसे यही मेरा सपना है। गाइस ऑलरेडी रिश्ता हो चुका था इनका, तोड़ दिया था मैंने, ऑलरेडी रिश्ता हो चुका था, बात हो चुकी थी, दोनों साइड ओके थी, पर न जाने इन्होंने मुझे देखा और सुबह मेरी तरफ से कोई यस नहीं थी, सिर्फ इन्होंने देखा था और मुझे पता भी नहीं कि इन्होंने देखा है मुझे। सुबह सुबह 4 बजे ऑफिस के नीचे कैब सर्च कर रही थी अपनी। हाँ, मैं कैब ढूंढ रही थी, नंबर ढूंढ रही थी और मैं वहां वॉक कर रही थी और शायद मैं बात कर रही थी अपनी। अब मैंने सुना तो था कि सुबह 4 बजे वाली बातें सच हो जाती हैं, पर ऐसे सच हो जाए अफसोस होता है। शुरू शुरू में तो सब अच्छा लगता है, दुआएं तो और भी मांगी थी। पर ये वाली दुआ जो है भगवान ने सीधा कहा अच्छा बेटा, अच्छा बेटा तुझे भुगतना है ना, तेरे को अच्छे से भुगतवाता, तुझे सच्चे, तुझे प्यार नहीं है ना, प्यार दिलाता तेरे को, इतना प्यार दिलाऊंगा फिर हाथ जोड़ेगा। बचपन से लेकर जवानी तक कैलकुलेट की 250 वो सब का जो निचोड़ निकल के जो ना ये आया। तो क्या मैं माड़ी हूँ? नहीं। तो मेरी शक्ल माड़ी है? इसमें वो सारे गुण है जो उन 250 में थे। तो सही बात है भाई, गोरी चिट्टी हट्टी गट्टी लंबी तगड़ी। हाँ, तो सबका मिक्स होके आएगा, सबका मिक्स होके आएगा तो फिर प्रोडक्ट तो ऐसा ही आएगा। What do you mean by this? प्रोडक्ट ऐसे है, मेरी बेइज्जती कर रहे हो यार। लोगों निकल गया भाई, सॉरी यार, देख लो कितनी बेइज्जती मारता है यार लड़की की। सॉरी शक्तिमान, सारा दिन पे बेइज्जती मारते रहते, मोटे ना हो गए पता नहीं क्या हो गया, चंडीगढ़ वगैरह में जाके देखो गाइस, मेरे से भी तगड़ी तगड़ी तो आपको अनमैरिड लड़कियां मिलेंगी, मैं तो फिर भी दो बच्चों की माँ। मैंने कब ऐसा बोला? मैं तो तेरी से इतनी सुंदर, इतनी तगड़ी शहनाज को देख लो, अब पतली हुई है, मुंबई जाके हवा निकाल दी उन्होंने उसकी, पंजाब छोड़ दिया ना उसने, पंजाब भी जाओ अभी भी पंजाबी मूवी देखो, क्या तगड़ी तगड़ी जट्टी है यार ये, यही सियापे ज्यादा है ये इधर की तरफ, वहाँ वही सियापे नहीं, अभी भी वहाँ पे जो है दुरंधु मस्त लड़कियां चलती है, पता चलता है मक्खन मक्खन खाती है, दही खाती है, मोटी मोटी कलाइयां है उनकी, सुंदर लगती है। छोटा सा लॉजिक बताता हूँ, जब कोई दुनिया में आता है ना, हाँ, तो लोगों को बड़ी खुशी होती है, हाँ, तो सबको पता चल जाता है, है ना, तो जाते वक्त भी तो पता चले ना कि भाई कोई जा रहा है। बिल्कुल पता चलना चाहिए, उनकी फूंक निकलनी चाहिए। चार इंसानों के फूंक में भाई तू उठाइयो, भाई तू उठाइयो, भाई तू उठा। पता तो चले कोई कहिए ऐसे क्या, बस बस पतली सी को पता भी ना चले, मतलब हवा की तरह चली गई, पता भी ना चले, कुछ पता चलना चाहिए कि उठाया है कुछ, लग रहा है हमारे और हमारे जाने मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं कि मेरे इसमें तो लगेगा भाई, लोग थक जाएंगे, कहेंगे भाई तू कंधा के तू हाथ दे, तू हाथ दे, तू हाथ दे, मेरे इसमें तो पक्का ऐसे होने वाला है। अब मजे भी आएंगे यार, क्या प्रॉब्लम है, हैंड टू हैंड, शोल्डर टू शोल्डर, पासिंग पासिंग पासिंग, आराम से जा रहे हैं यार। व्हाट इज द हार्म इन दैट, बेचारे ऐसा थोड़ा ना कि वो जल्दी जल्दी, वो जल्दी भी नहीं चल पाएंगे, वो जल्दी भी नहीं चल पाएंगे। बाकी क्या है, पूरा दिन निकल चुका है, किया हमने कुछ है नहीं, और बस सारे दिन आराम किया, आराम किया, बस मूवी वगैरह देखी, अब हमारा सवेरा हुआ है, अब कपड़े धुल रहे हैं, अब हमारा सब आज उल्टा हो गया, तो ऐसा होना चाहिए कभी कभी, क्या जरूरत है कि घड़ी भी उल्टी चल रही है, इसी घड़ियां भी हमारी थोड़ी सी उल्टी चल रही है, आज सब आलस में, आज सब आलस में, वो भी कह रही है थोड़ा पीछे ही चलती हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, घड़ियां भी जो है आराम से चल रही है। मैंने सुबह से बोला आज तो मंगलवार, वो घड़ियों ने भी सुन लिया, वो भी कह रही ठीक है तो फिर है तो बस धीरे धीरे चलते हैं हम भी। तो वो धीरे धीरे चल रही है। हाँ, फन एक्टिविटी करते रहना चाहिए और हम फन करते हैं गाइस, तो ऐसी आपसे चटपटी बातें करते रहते हैं, अगर आपको कुछ बुरा भी लग जाए तो प्लीज कमेंट करके बता दिया करिए, ज्यादा दिल पे लगाने की जरूरत नहीं, ज्यादा सीरियस भी मत होया करिए, बुरा लगे तो ऑलरेडी
आपको दिया हुआ हमने सॉरी बहुत सारे, तो मतलब नहीं दिए हुए तो ले लो, हम एडवांस में बोल सकते हैं सॉरी 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 सॉरी, वो उसमें से कट करते रहना, उसमें से कट करते रहना, कट होते रहेंगे ठीक रहेंगे, जब खाली हो जाए खाता तो बता देना, वो सॉरी देते हैं। लेकिन हम तो भाई ऐसी बातें करेंगे भाई, हम तो अपने ऐसी बातें छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो यार मेरे को लगता है कि लाइफ में ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े ही नहीं थे हमारे पास, हम ऐसे अटके कि हमारा सामान यहाँ हम वहाँ हम कहाँ कहाँ, कुछ तीन कुछ आइडिया नहीं, कुछ पता नहीं था। आधा सामान तो यहाँ जहाँ हम रह रहे, हाँ आधा सामान गुड़गांव में और हम जो थे वो रेवाड़ी में, तो हमारा कुछ भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था भाई कि हम कहाँ हैं, हमारी लाइफ कहाँ है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहनने तक को कपड़े नहीं थे हमारे पास, खैर दो तीन महीने, वो तो साइज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम एक दूसरे के मतलब ये नहीं, मैं ही पहनती हूँ ऑब्वियसली इनके कपड़े, नहीं पहनना चाहो तो यू कैन ट्राई। तो आज जो है ऐसा ही है, बड़ा अच्छा लग रहा है इस टाइम नहा के, आज इतनी सर्दी सी फील नहीं हो रही है, पता नहीं आज क्यों, बहुत आलस आ रही थी बहुत ज्यादा। हाँ आलस क्या, ये एक्चुअली उठने ही नहीं देंगे तो आलस तो आएगी। मैं इनसे पूछती हूँ ना चाय पीनी है, अरे तुम बना रही हो तो बना लो पी लेंगे, मैं तो इतना एहसान करने की जरूरत नहीं है मेरे को, मैं मरे नहीं जा रही चाय बनाने के लिए, पीनी है तो सीधा बोलो हाँ नहीं तो ना, ये क्या तरीका, तो बना ले फिर तू बना रही है तो ये बना ले। तो भाई देखो हनी मैं बैठी हुई भी आपसे कितनी ऊंची लग रही हूँ, हाँ, मैं नीचे और तगड़ी, मैं नीचे हूँ ऊंची तगड़ी, ओहो अब आया ना, सही अब सही हुआ है भाई। चलिए गाइस आज के ब्लॉग का करते हैं यही एंड, और होप आप सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल ना किसे दा दुखायो ना, तो बस यही है हमारा गुरु मंत्र।